कोर्स किस चीज के लिए? मैडम फोन पे जो यूज करते हैं ना जी जी तो उसके के माध्यम से कैशबैक आया था 1050 रुपए, बैंक अकाउंट पे रिसीव हुआ था मैडम कैशबैक 1050। जी फोन पे से मैडम बैलेंस चेक करने आता है आपको? बैलेंस चेक हाँ करने आता है, वो तो मैं रोज चेक करता हूँ। हाँ तो कोई बात नहीं मैडम, चेक कर लीजिए बैलेंस अपना, देखो 1050 आपको आया है फोन पे में, तो वो हिस्ट्री में चेक करना होगा ना जी मैडम। वो फोन पे का नोटिफिकेशन पर आएगा मैडम, नोटिफिकेशन से ही अकाउंट पे रिसीव करना है। एक मिनट, तो आप लाइन पे रहेंगे आप? हाँ मैडम मैं लाइन पे। आशीष चौधरी जी से ही हो रही है? जी मैम। आपको जो बात हो रही है आशीष चौधरी से? अच्छा वही आप बात कर रहे हैं? हम वही बोल रहे हैं। तो आप लड़की हैं मैडम या लड़का है? लड़का। तो चेक कर लीजिए, देखिए आया है। लाइन पे रहेंगे आप? जी मैं लाइन पे रहता हूँ मैडम। लड़की का आवाज आपका आ रहा है? होता है सर, कंफ्यूजन हो जाता है। लाइन पे रहेंगे आप? हाँ मैं लाइन पे रहता हूँ, चेक कीजिए। चलिए इसमें गए, ओपन किए मैडम, ओपन किए, उसके बाद क्या करना होगा? ओपन करने के बाद, ओपन करने के बाद देखिए शो कर रहा 1050। 1050? हाँ यहाँ पे तो कहीं पे शो नहीं कर रहा, किस चीज में जाकर चेक करना पड़ेगा? ऊपर में देखिए मैडम एक छोटा सा घंटी है नोटिफिकेशन। हाँ हाँ नोटिफिकेशन, हाँ घंटी पर क्लिक कीजिए, वहीं पर आया होगा मैडम इजी मेडिल करके 1050। जी हाँ हाँ, उसको अपना अकाउंट पे रिसीव कर लीजिए सर, वहाँ पर देखिए पे ऑप्शन लिखा है ना। एक मिनट सर, यहाँ पे का ऑप्शन आ रहा है, पे और डिक्लाइन लिखा है ना? डिक्लाइन भी लिखा हुआ है ना मैडम, वो नोटिफिकेशन पर आया है, नोटिफिकेशन से अकाउंट पे जमा करना है। PAY पे में टच कीजिए। पैसा नहीं कटेगा मेरा, एक मिनट लाइन पे रहेंगे आप? हाँ मैडम कोई दिक्कत नहीं होगा, आप इसके लिए निश्चित रहिए। आशीष कुमार बोल रहे हैं ना? हाँ हाँ एक मिनट रुकेंगे आप, पे में क्लिक किए हैं? चलिए हाँ एक मिनट पे में टच किया ना? दो मिनट सर, दो मिनट टाइम दीजिए सर। उसको डिक्लाइन क्यों कर दिए आपने? कर रहे हैं सर, चेक कर रहे हैं। तो उसको डिक्लाइन क्यों कर दिए यार? 1050 दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है? दिखला रहा है। हाँ उसको प्ले में टच कीजिए, पे कर दिए। नीचे में अपना अकाउंट दिखा रहा है ना? हाँ नीचे दिखला रहा है, पे का ऑप्शन है। हाँ उसका ऊपर में आपका अकाउंट, अपना अकाउंट में पे कीजिए। यहाँ पे कर दिए। अभी बैलेंस चेक करने के लिए पासपोर्ट मांग रहा है ना? हाँ बैलेंस चेक कीजिए, वही पर्चा टोटल आपका जो पहले से बैलेंस था 1050 रुपीज टोटल शो करेगा। यहाँ पे पिन डाल दिए। हाँ अभी देखिए क्या ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे पिन डालने के बाद जो है कंफर्म का ऑप्शन आ रहा है, कंफर्म करने। हाँ कंफर्म कीजिए, फिर बैलेंस वहीं पर चेक कीजिएगा जो पहले से आपका बैलेंस था और 1050 टोटल शो करेगा। हाँ अभी नीचे में डन लिखा है सर, डन। हाँ यहाँ पे डन आ गया, उसको डन पर नहीं क्लिक करेंगे ठीक है? डन पे क्लिक करना था ना? नहीं डन नहीं करना, उसको डन कर दिए क्या? बोले ना आगे क्या करना है इसका? हाँ उसको डन नहीं करना है, मैं आपको जितना बता रहा हूँ सर उतना कीजिएगा ठीक है? उसके आगे कहीं पर आप क्लिक नहीं करेंगे ठीक है? अच्छा ठीक है। हाँ अभी नीचे में जो डन लिखा है ना, हाँ उसको डन पर नहीं क्लिक करेंगे ठीक है? जी एक बार मैडम आपका जो फोन है ना, हेलो हाँ एक बार बैक कीजिए वहाँ से, एक बार पहले बैक कीजिए। बैक कर दिए, एक बार बैक कीजिए, देखिए फिर से बता रहा आपको जो 1050 आया था फिर से दिखा रहा है वहाँ पर। एक मिनट, हाँ घंटी पर जाइए, आपको क्षण क्षण नहीं करना है फोन पे ठीक है? अब नहीं दिखा रहा है। नहीं दिखा रहा है ना, अभी देखो आ गया होगा, आया। इसको बैक कर दिए, बैलेंस चेक कर लेते हैं। बैलेंस भी नहीं चेक करना है सर? हेलो हाँ नहीं करना है। ऑप्शन आ गया, पे में टच कीजिए, कर दिए। नीचे में दोबारा से पे कीजिए, कर दिए। अभी पासवर्ड मांग रहे हैं ना? जी अभी पासवर्ड डाल के ओके कीजिए, सिर्फ डन नहीं करेंगे वहाँ पर ठीक है? ठीक है कर दिए, ओके कर दिए। अभी देखिए सक्सेसफुल हुआ? हाँ सक्सेस हो रहा है। हाँ होने दीजिए मैडम, कोई बात नहीं, आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, इसके लिए आप नीचे रहिए। देखिए सक्सेसफुल हुआ? अभी नहीं हुआ है, हो रहा है। पासवर्ड डाल के ओके किया मैडम? हाँ ओके कर दिए। आप थोड़ी नेटवर्क पे आ जाइए, नेटवर्क पे आइए पहले। नेटवर्क पे तो है, पासवर्ड डाल के ओके किया, देखिए सक्सेसफुल हुआ? अभी नहीं हो रहा है, पेमेंट प्रोसेस हो गया ना?
उसी तरह रहिए ठीक है। मैं आपको जितना बता रहा हूँ उतना ही कीजिएगा, उसके आगे कहीं पर टच नहीं करेंगे ठीक है। एक बार दोबारा से ब्रेक कीजिए, स्किप करें ना, एक बार बैक कीजिए वहाँ से, एक बार बैक कीजिए। जब बैलेंस चेक करने के लिए बोलूंगा ना तब आप बैलेंस आप खुद चेक कर लीजिएगा। देखिए फिर से बता रहा है 1050, फिर स्किप कर दिया, फिर 1050 बता रहा है। हाँ, पेमेंट टच कीजिए, थोड़ा फर्स्ट कीजिए, उसको लेट नहीं करना। पेमेंट टच कीजिए, कर दिए। नीचे में दोबारा से पे कीजिए, कर दिए। अभी पासपोर्ट मांग रहा है, फिर से पासपोर्ट डाल के ओके कीजिए। थोड़ा फर्स्ट सिर्फ वहाँ से बैंक नहीं करेंगे और आप बैलेंस अभी चेक नहीं करेंगे ठीक है। कर दिए, हो गया सक्सेसफुल, हो गया। हाँ, वहाँ से बैक नहीं करना ठीक है। ठीक है। हेलो मैम। हाँ बोले ना, बैक नहीं किए हैं, वहाँ से बैक नहीं किए है ना। नहीं, एक बार दोबारा से बैक कीजिए, कर दिए। अभी देखो फिर से आया, फिर से नोटिफिकेशन पे गया। हाँ देखो फिर से आया, नहीं आया, अभी आ गया होगा। मैडम लाइन पे रहिए, आपका कुछ छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा वरना आपका मैडम बैलेंस आपका होल्ड हो जाएगा ठीक है। आ गया। हाँ, पेमेंट टच कीजिए, कर दिए। नीचे में दोबारा से पे कीजिए, कर दिए। अभी पासवर्ड मांग रहा है। हाँ, अभी पासवर्ड डाल के ओके कीजिए, सिर्फ डन नहीं करना है वहाँ पर ठीक है। पासवर्ड डाल के ओके कर दिए। देखिए सक्सेसफुल हुआ, हो गया ना। हाँ हो गया। ठीक है, वहाँ से बैक नहीं कीजिएगा ठीक है। मतलब सर इस तरह का कभी भी कैशबैक नहीं आया था ना। नहीं, इसके लिए बराबर आपको ऐड नहीं होता है सर, आप इसके लिए निश्चित रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा आपका। एक बार दोबारा से वहाँ से बैक कीजिए, यहाँ से बैक कर दिए। हाँ देखो फिर से आया। हाँ हाँ, उसको पेमेंट टच कीजिए, एक चार बार हो गया। हाँ पेमेंट टच कीजिए उसको, इसलिए पेमेंट नहीं करना चाहिए मेरा। पेमेंट के लिए किया। हाँ कर दिए। हाँ, अभी नीचे में दोबारा से पे कीजिए, कर दिए। अभी पासवर्ड मांग रहा है ना। हाँ, अभी पासवर्ड डाल के ओके कीजिए, सिर्फ वहाँ से बैक नहीं कीजिएगा ठीक है। ठीक है जी। अभी पासवर्ड डाल के ओके किए, देखिए सक्सेसफुल हुआ। ठीक है, हो गया, पर पेमेंट चेक कैसे चेक क्यों कर सकते हैं ये बता सकते हैं? अभी बैलेंस नहीं चेक करेंगे सर, जब बैलेंस आपको चेक करने के लिए बोलूंगा ना तब आप बैलेंस खुद चेक कर लीजिएगा। आशीष कुमार बोल रहे हैं ना? हाँ हाँ, आशीष कुमार ही बोल रहे हैं। जी सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, कभी भी फोन पे से आपको कॉल आएगा तो सर आपसे कोई एटीएम कार्ड ओटीपी नंबर नहीं पूछेगा सर, जो आपका नाम है ना वही आपका नाम पूछा जाएगा ठीक है। अभी फोन पे ओपन है सर आपका? हाँ फोन पे मेरा ओपन है। ओपन है, देखिए 1050 दिखा रहा है आपको, फिर से वहाँ से बैक कीजिए सर, एक बार पहले बैक कीजिए। चलिए कर दिए, फिर से अब। हाँ फिर से आया सर। हाँ हाँ, पेमेंट टच कीजिए उसको। चलिए पांच बार हो गया ये। हाँ पेमेंट टच किया। हाँ, मैं आपको लास्ट क्वेश्चन, जब आपको वहाँ पर हट जाएगा ना तो बैलेंस आप खुद चेक कर लीजिएगा ठीक है सर। अच्छा। हाँ पेमेंट टच किया। नीचे में दोबारा से पे कीजिए, अभी पासवर्ड मांग रहा है ना। अभी पासवर्ड डाल के ओके कीजिए, सिर्फ वहाँ पर डन नहीं करेंगे सर ठीक है। ओके किए पासवर्ड डाल के। हेलो। हाँ कर दिए। हाँ सक्सेसफुल हुआ। हाँ ठीक है, वहाँ से बैक नहीं कीजिएगा, उसी तरह रहिए, मैं आपको बैक करने के लिए बोलूंगा, बैक कीजिएगा। हेलो। हाँ अभी एक बार फिर से बैक कीजिए सर, देखिए फिर से आया। मैं तो लग रहा है कि मेरा पेमेंट नहीं कट गया। सॉरी सर, आपका अकाउंट से 1 रुपया नहीं कटेगा, देखिए 1050 फिर से दिखा रहा है आपको। हाँ हाँ, उसको पेमेंट टच कीजिए, पेमेंट के लिए किया। अभी नीचे में दोबारा से पे कीजिए, अभी पासवर्ड मांग रहा है ना। पासवर्ड मांग रहा है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन फंड बता रहा है। ओ, मतलब सर इसमें आपका पहले से कितना बैलेंस था सर, याद है? 6700 कुछ था। और 6700 कुछ था आपका जो बैलेंस है ना सर। हाँ, उसको पहले अपडेट करना पड़ेगा, एक बार अपना बैलेंस चेक कीजिए ना फोन पे में। ठीक है, कर रहा है जी, बैलेंस चेक कर लीजिए सर, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप इसके लिए निश्चित रहिए। ठीक है ठीक है, हमें तो डॉट लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं सर, आप इसके लिए निश्चित रहिए, मैं लाइन पे हूँ ना। जीरो हो गया। अभी कितना बता रहा है सर? 2 रुपए ही ना।
रुकिए ना, जीरो हो गया मेरा अकाउंट। जीरो कैसे होगा, अभी कितना बैलेंस है मिनिमम बताए तो आपको, मेरा अमाउंट जीरो हो गया। जीरो नहीं होगा, कुछ बैलेंस तो होगा ना। कितना आप बताइए ना। अरे मेरा भाई देखो, आपका बैलेंस जो है ना सर, हाँ ये कहीं पर गया नहीं है सर, अपडेट हो रहा है, तो अभी बैलेंस चेक किया तो कितना बता रहा है भैया, मेरा अमाउंट जीरो हो गया। अरे मेरा भाई नहीं जीरो होगा, अभी बैलेंस चेक किया तो है। ये आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं मुंबई से बोल रहा हूँ सर, अभी बैलेंस चेक किया तो कितना है? कहे तो मेरा अकाउंट जीरो हो गया, आपका स्टेटमेंट, आपने व्हाट्सएप नंबर दिए तो, ये व्हाट्सएप नंबर आपका? हाँ क्या करेंगे व्हाट्सएप नंबर लेके, ये आप ये फ्रॉड क्यों कर रहे हैं? तेरा भाई नहीं कटेगा, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, अभी बैलेंस चेक किया तो कितना बता रहा है, 100 200? मेरा अमाउंट जीरो बता रहा है। जीरो कैसे बताएगा, 100 200 होगा ना अपडेट करने के लिए? चलो सर 100 रुपया। 100 कितना? 120 रुपया। ठीक है, आपका जो बैलेंस है ना सर, हाँ उसको पहले अपडेट करना पड़ेगा सर। कभी भी फोन पे ऑफिस से कॉल आएगा ना, तो सर आपसे कोई एटीएम कार्ड ओटीपी नंबर नहीं पूछेगा सर, आप इसके लिए निश्चित रहिए। आपका कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम होगा तो इस नंबर पे आप कंप्लेन कर दीजिएगा, ठीक है? नंबर पे आप अपना नाम बताइए, आइएगा आप अपना नंबर दीजिए, कंफर्म प्रॉपर नंबर दीजिए अपना। ये मेरा पर्सनल नंबर है सर, कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट रुकिए, एक मिनट लाइन पर रहिएगा आप। मेरा सारा अमाउंट पेमेंट कट गया। हेलो सर जी, हेलो जी बताइए सर। कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लाइन पे है ना? लाइन पे है। एक बार बैक कीजिए, वहाँ से पहले एक बार बैक कीजिए। देखो सर 105 बता रहा, 105। एक मिनट भैया रुक जाइए ना। अरे मेरा भाई छेड़छाड़ मत कीजिए फोन पे को, देखो 105 बता रहा है, घंटी पर जाइए, देखिए बता रहा है 105, उसको करके बैलेंस कीजिए। घंटी पे गए हाँ, उसको पे में टच कीजिए, अब वो भी पैसा कट जाएगा मेरा। मेरा भाई वो बैलेंस अपडेट होगा, पे में क्लिक किए हम नहीं करेंगे। अरे मेरा भाई जो आपका 6700 था ना, हाँ और 1050 7800 रुपया शो करेगा, इसके लिए निश्चित रहिए, पे में क्लिक कीजिए, नीचे में दोबारा से पे कीजिए और पासवर्ड कीजिए, सक्सेसफुल हो जाएगा, रिसीव आएगा, रिसीव करके बैलेंस चेक कीजिएगा। इसका प्रोसेस आप हमें, एक मिनट इसका प्रोसेस आप हमें बताएंगे आप? चलो वो भी पैसा कट गया मेरा, ठीक है लाइन पर है, मैं दोबारा से भेज रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, अब क्या भेजिएगा आप? अरे मेरा भाई कहाँ कहाँ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? चलिए कर दिए, कर दिए है ना उसको, हाँ ठीक है उसे तरह रहिए। तो देखो फिर क्या आया 105 घंटे में नहीं आया, आया होगा घंटे पर क्लिक कीजिए, कर दिए घंटी पे क्लिक कर दिए। हाँ अभी देखो आया 105 नहीं आया, आया होगा कहाँ आया, वहाँ से हेलो, हाँ उसको, हाँ उसको पे में क्लिक कीजिए, नीचे में दोबारा से पे कीजिए, सीसी पासवर्ड डाल के ओके कीजिए। हो गया ना, ठीक है वहाँ से बैक क्लिक कीजिए। तो सर आपके बैलेंस चेक किए तो क्या बता रहा था, बैलेंस चेक किए थे तो 120 था, तो 115 रुपया हो गया, आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, लाइन पे हो ना? हाँ ठीक है कोई बात नहीं सर, आप इस पर निश्चित रहिए, अगर कोई दिक्कत होगा प्रॉब्लम तो इस नंबर पे आप कंप्लेन कर दीजिएगा, ठीक है? कंप्लेन होगा तब ना कंप्लेन करेंगे। अरे मेरा भाई कंप्लेन कैसे नहीं होगा, पुलिस कंप्लेन कीजिएगा, कैसे नहीं होगा, एक बार बैक कीजिए, दोबारा से बैक कीजिए,
एक मिनट कर लो। देखो सर अभी आया होगा 525, देखो आया 525। हाँ सर हाँ, नहीं आया, आया होगा एक बार देख कीजिए दोबारा से, घंटी पे आया हुआ है 525 रुपए, उसको पेमेंट के लिए कीजिए नीचे में दोबारा से पे कीजिए, सीसी पासवर्ड डाल के ओके कीजिए। कहाँ है 525 पे हो जाएगा, बैक कीजिए ना सर वहाँ से बैक कीजिए। आ गया हाँ, फिर मैं कट कीजिए हाँ, नीचे में फिर से पे कीजिए हाँ, अभी पासवर्ड डाल के ओके कीजिए हाँ। देखो सक्सेसफुल हुआ हाँ, हुआ सक्सेसफुल या फेल्ड? हाँ फेल्ड बता रहा है ना, फेल्ड बता दिया ठीक वही कर रही है ठीक है, बैक कीजिए हाँ। देखो आया 105 रुपये पहले आया था 105, नहीं आया ठीक है लाइन पर, अभी आया वो महाराज नहीं आया। अरे मेरा भाई आ गया होगा, बैक कीजिए ना, आया हेलो। अरे भाई नहीं आया, अरे भाई पर बैक कीजिए ना। हाँ आ गया हाँ, पे ना टच कीजिए नीचे में फिर से पे कीजिए, सी से पासवर्ड डाल के ओके कीजिए। ये 10 बार हो गया हाँ, कोई बात नहीं पासवर्ड डाल के ओके कीजिए। आपका नाम बताइएगा? मेरा नाम राकेश शर्मा है सर। राकेश शर्मा जी, राकेश बैलेंस चेक किया शर्मा? नहीं अभी बैलेंस नहीं चेक कर रहा, ठीक है शर्मा एक मिनट ओके। कौन सा मैं सर, आपका एक अकाउंट है या दो अकाउंट है सर? दो अकाउंट है। दो कौन सा अकाउंट है? बड़ौदा और HDFC। ये बैलेंस आपका किसमें ऐड हो रहा है, बड़ौदा में या HDFC बैंक में? HDFC बैंक से कट रहा है पैसा। तो बड़ौदा बैंक में आपका बैलेंस कितना है पुराना? जीरो। उसमें जीरो है, इसमें कितना था? उसमें एक रुपया उसमें था, अब में 1000 रुपया था। और उसमें बड़ौदा में? हाँ। HDFC बैंक में उसमें था 4000 रुपया। 4000, कोई बात नहीं सर एक बार दोबारा से बैक कीजिए, हम अमाउंट भी चेक कर रहे हैं। अभी बैलेंस नहीं चेक करना है सर, देखो आया फिर से 105 रुपए। तो अमाउंट कटता जा रहा है? नहीं मेरा भाई आप छेड़छाड़ मत कीजिए, वरना टोटल बैलेंस आपका कट जाएगा, अपडेट हो जाएगा टोटल। 105 लिखा है ना हाँ, इसको पहले कट कीजिए हाँ, नीचे में फिर से पे कीजिए पासवर्ड डाल के ओके कीजिए। हो गया ना हाँ सर? हो गया ठीक है, उसी तरह लाइन पे रहिए, आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं लाइन पे हूँ ना। जो शॉर्ट ट्रांजेक्शन करे होता है ना, एक मिनट रुकिए ना, कर निकल इशू। मतलब सर आपका स्टेट बैंक में कितना था बैलेंस याद है? नहीं था। कितना? एक रुपया भी नहीं था उसमें। आपका हिस्टोरी पे जाइए सर, हिस्टोरी पे जाइए अपना, जो शॉर्ट ट्रांजेक्शन करे होता है ना, एक मिनट रुकिए ना, कर हाँ हिस्टोरी पे गए हैं हाँ। इसमें आपका कौन सा अकाउंट से कट रहा था? HDFC बैंक से ना जी। कोई बात नहीं सर लाइन पे ये मैं चेक कर लेता हूँ ठीक है। आप लाइन पर रहिएगा ठीक है सर। हेलो हाँ, लाइन पर है सर। आपका फोन पे क्या था अकाउंट है सर? 6 नहीं दो, कितना है? 3 अकाउंट है। 3 6 है, लेकिन 3 में आपका UPI ID नहीं बना है ना? 3 वही अकाउंट से लिंक है। अच्छा कोई बात नहीं लाइन पर है। कौन से अकाउंट में तुम्हारा
हेलो हाँ आपको पूरा एक मिनट बाद कॉल कर रहा हूँ, ठीक है? सुनिए ना, फोन आप मत कट कीजिएगा, फोन कट मत कीजिएगा भाई। पहले आप मेरा बात सुनो ना, वन मिनट के बाद आपको तुरंत कॉल कर रहा हूँ, तुरंत। फोन कट मत कीजिएगा, आप जो कर रहे हैं भारत का देश मार रहे हैं, कॉल रखो ना, तुरंत कॉल कर रहे हैं, ठीक है? फोन तुरंत कॉल कर रहा हूँ, तुरंत तुरंत।